नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सवाल उनकी नियत पे उठता है, आप एक मोर्चा नहीं निकाल रहे, आप एक नौटंकी कर रहे हैं वसई विरार की 30 लाख की जनता के पास। हम ये बहुजन विकास अघाड़ी की असफलता का मोर्चा है कि आप नहीं कर पाए महानगर पालिका के कर्मचारियों को अस्थाई, यह तो एक बात। वो ठेकेदार आज जेल में क्यों नहीं है? आपने उन ठेकेदारों को जेल में भेजने के लिए क्यों नहीं कोई मोर्चा निकाला? आपके पास सत्ता है, आपने उस FIR को लॉजिकल एंडिंग तक क्यों नहीं पहुंचाया? किया नहीं। महानगर पालिका के कर्मचारियों को हमारा एक संदेश है कि ये जो लोग नौटंकी कर रहे हैं महानगर पालिका के कर्मचारियों का, ये कभी भला नहीं करेंगे। दोस्तों, 3 जुलाई कल वसई विरार अंतर्गत एक बड़ा मोर्चा निकलने वाला है। इस मोर्चे का विषय है वसई विरार महानगर पालिका में कार्यरत ठेका कर्मियों को लेकर। कई ठेका कर्मी हैं, उनकी शिकायतें हैं कि उनको उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है। और महानगर पालिका में कई सालों से वो जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी नौकरी परमानेंट नहीं हो रही है। वहीं महानगर पालिका फिलहाल नई भर्ती नीति ला रही है, उसमें इन पुराने कामगारों को अनदेखा किया जा रहा है। तो इसी मांग पर कल एक मोर्चे का आयोजन किया गया है। कई कामगार संगठना और साथ ही साथ सर्वपक्षीय नाम दिया गया है मोर्चे का। इस मोर्चे की अगुवाई वसई विरार के प्रथम महापौर राजीव पाटिल समेत कई बड़े बड़े दिग्गज लोग कर रहे हैं। अब इस मोर्चे की तैयारियां पिछले कुछ दिनों से शुरू है और उसी तैयारियां के बीच वसई की आम आदमी पार्टी ने इस मोर्चे पर सवाल या निशान खड़ा किया है। तो हम आए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर, इनसे सीधा इस पूरे विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या विषय है, इन्होंने क्यों सवाल खड़े किए। तो हम सीधे बात करते हैं आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों से, क्या इनका विरोध है और क्यों इस तरह से इन्होंने ये पोस्ट वायरल की। सर, आपका नाम? मेरा नाम रवि भूषण है, मैं आम आदमी पार्टी वसई विरार में, मुझे एक उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। रवि भूषण जी, अभी एक अच्छा मोर्चा कल निकलने वाला है जिसमें महानगर पालिका में कार्यरत ठेका कर्मियों के हितों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन आपने उस मोर्चे पर सवाल खड़े किए, तो क्या आम आदमी पार्टी ये अच्छे कामों का भी विरोध क्यों करती है, इसका जवाब? और इस पे मैं अपना पक्ष ये रखना चाहता हूँ कि वसई विरार के सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी किसी भी अच्छे काम का विरोध नहीं करती है। चाहे वो अच्छा काम कोई भी पार्टी करे, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ के उनका सपोर्ट करेगी। मगर यहाँ पर लेकिन यहाँ तो आप उनका विरोध ही कर रहे हैं, आपने इस तरह से पोस्ट किए। नहीं, हमारे पोस्ट में हमने क्या कहा है, हमारे पोस्ट में हमने स्पष्ट कहा है कि आम आदमी पार्टी वसई विरार महानगर पालिका में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठेके के कर्मचारी, आम आदमी पार्टी का ये क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर पॉलिसी है कि सभी ठेके के कर्मचारियों को परमानेंट करना चाहिए, अस्थाई किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी पार्टी इसका पूरी तरह से समर्थन करती है, उसने स्पष्ट कहा है। लेकिन फिर उसके लिए अगर मोर्चा होता है तो उस मोर्चे पर सवाल क्यों? हाँ, तो मोर्चे पे सवाल इसलिए उठता है कि इस मोर्चे को करने वाले लोग कौन हैं। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि राजीव पाटिल जी जो कि शायद प्रथम महापौर थे, ऐसा आपने बताया, तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा महानगर पालिका में रही, सत्ता में रही, उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा महानगर पालिका के कर्मचारियों को परमानेंट करने का, अस्थाई करने का? आम आदमी पार्टी यह क्लियर मांग करती है और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है कि महानगर पालिका के सभी ठेका कर्मचारियों को अस्थाई किया जाएगा, इसमें सफाई कर्मचारियों को विशेषतः अस्थाई किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात पे उठता है, सवाल उनकी नियत पे उठता है, आप एक मोर्चा नहीं निकाल रहे, आप एक नौटंकी कर रहे हैं वसई विरार की 30 लाख की जनता के पास। हम इसे मोर्चे का नाम देने पर, हम मोर्चे का नाम दे ही नहीं सकते, इसे आप एक नौटंकी का नाम दे सकते हैं। सत्ता में थे आप, सत्ता की मलाई खाए आप, और जब आपको कर्मचारियों को स्थाई करना था उस समय आपने किया नहीं, और अब आप रोना रो रहे हो कि आप मोर्चा निकाल रहे हो। किसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हो साहब? राज्य सरकार को तो आपने बाहर से सपोर्ट किया हुआ है, महाराष्ट्र की हर राज्य सरकार जितनी हुई सबको बहुजन विकास अघाड़ी ने अपने MLA के साथ बाहर से समर्थन दिया या सरकार में मिलकर किसी न किसी रूप से समर्थन दिया। तो ये बहुजन विकास अघाड़ी की असफलता का मोर्चा है कि आप नहीं कर पाए महानगर पालिका को कर्मचारियों को अस्थाई, यह तो एक बात। तो आपने तो काफी उत्तेजित होकर ये जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अभी दूसरा सवाल ये है कि आपने अपनी पोस्ट में कुछ ठेकेदारों का जिक्र करते हुए कुछ लिखा है कि ठेकेदारों के ऊपर FIR हुआ था, वो क्या मामला है और उस पर क्या आप कहना चाहते हैं?
देखिए, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप जो मोर्चा निकाल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस मोर्चा को नौटंकी की तरह मत निकालिए। इस मोर्चा में आप फैक्ट पे बात कीजिए। आप सभी को मालूम होगा कि एक FIR हुआ था 122 करोड़ के आसपास का, एक FIR लॉज है। उस FIR में 25 ठेकेदारों का नाम लिस्ट किया गया था कि इन 25 ठेकेदारों ने महानगर पालिका के कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता मिलता है उसमें झोल झपाटा घोटाले किए थे, उस पर FIR किया गया है। क्या हुआ वो जो FIR हुई और वो 25 ठेकेदार जो हैं, उन ठेकेदारों का क्या हुआ? क्या जांच हुई? क्या सेटलमेंट हो गया भाई? आपको यह जवाब देना चाहिए कि वो ठेकेदार आज जेल में क्यों नहीं है? आपने उन ठेकेदारों को जेल में भेजने के लिए क्यों नहीं कोई मोर्चा निकाला? आपके पास सत्ता है, आपने उस FIR को लॉजिकल एंडिंग तक क्यों नहीं पहुँचाया? लेकिन अगर FIR होती है तो वो जुडिशियल प्रोसीजर होता है और वो काम पुलिस विभाग का है और गृह मंत्रालय का है, उसमें महानगर पालिका में सत्ताधारी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आपका जवाब सही है कि पुलिस विभाग का है, तो इसके लिए हमारे मन में सवाल आता है कि भाई साहब, 3 MLA को लेके आप तो हमेशा महाराष्ट्र सरकार के साथ रहे ना, चाहे महाराष्ट्र में किसी भी सरकार आए, आप तो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं। गृह मंत्रालय को आप बोल सकते हैं, अभी भी आप सत्ता में हैं। आपने उन 25 ठेकेदारों को जेल क्यों नहीं करवाया? उसके लिए आपने मोर्चा क्यों नहीं निकाला? उसके लिए आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? इससे आपकी मंशा पे शक होता है कि आप नौटंकी कर रहे हैं। आपको वसई विरार के 30 लाख लोगों की सेवा नहीं करनी है, आपको सिर्फ लाइमलाइट में आना है, प्रचार करना है, नहीं तो आज वो 25 ठेकेदार आज जेल में होते। और इतना ही नहीं, हम ये भी सवाल उठाते हैं, आपने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इन ठेकेदारों के साथ आपके संबंध हैं। जब पूरी तरह से जांच की जाएगी तो निश्चित ही निष्पक्ष जांच में यह पता चलेगा कि इन ठेकेदारों के साथ एक्स महापौर, एक जो भी है माजी नगर सेवक, इन सब का क्या संबंध है, इस बिल्कुल उजागर होगा यदि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो होगा। इसीलिए इस मामले को दबा दिया गया। क्यों इस मामले को दबा दिया गया, ये सवाल है। ये तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस आरोप के पीछे क्या कोई सबूत आपके पास है? सबूत यही है ना कि जब FIR लॉज हो जाती है तो उस FIR को लॉजिकल एंडिंग तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? और जब ये जो FIR हुई थी 25 ठेकेदारों के विरुद्ध में हुई थी और महानगर पालिका के जो कर्मचारी उनके वेतन भत्तों के साथ जो झोल झपाटा हुआ था उसके साथ हुआ था, तो उसकी जांच के विषय में आज ये लोग जो मोर्चे निकाल रहे हैं उन्होंने क्या किया? सत्ता में तो वो थे ना, वसई विरार महानगर पालिका में जो सत्ता में है, यहाँ की 90% वोट जनता ने उन्हें बड़ी आशा के साथ दिया था कि आप हमारे साथ न्याय करोगे, आप महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ न्याय करोगे, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। महानगर पालिका के कर्मचारियों को हमारा एक संदेश है कि ये जो लोग नौटंकी कर रहे हैं महानगर पालिका के कर्मचारियों का, ये कभी भला नहीं करेंगे। महानगर पालिका के कर्मचारियों का भला तभी होगा जब आम आदमी पार्टी वसई विरार सत्ता में आएगी और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इनको प्रोमेंट कर सकती है। क्या ये जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया, क्या ये आम आदमी पार्टी की राजनीति पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि ये आज आंदोलन कर रहे हैं, ये आज आंदोलन कर रहे हैं हमारे ठेके कर्मचारियों के खिलाफ। हमारा एक मूलभूत सिद्धांत है, हम हमेशा रहे हैं सभी को सिस्टमैटिक रूप से सबको एक साथ भी कर देना कि आज हमारी सत्ता आती है कल कर देंगे, हम सबको सिस्टमैटिक रूप से प्रोमेंट करेंगे, ये उनका हक है और वो दिलवाने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी लड़ती है, पंजाब में भी लड़ती है और उसी सिद्धांत को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। इतना ही नहीं, सन सिटी ऑफिस में सफाई कर्मचारी लोग हमारे से मिलने आए थे, उनके साथ क्या झोल झपाटा किया है सर, उनकी ग्रेचुटी रोक दी गई है, प्राइवेट कंपनी है, हमारे साथ सुमित्रानंदन जी है, ये पूछिए, गए थे पालघर मिलने के लिए, बाद में उनको क्या डरा दिया गया वो बेचारे सफाई कर्मचारियों की, वो अपना ग्रेचुटी मांगने नहीं आते। हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि किस दिन से वो किस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको देना चाहिए था उनको ग्रेचुटी, आपने नहीं दिया है। अब वो बेचारे इतने डर गए हैं, जो इस ऑफिस में कंटिन्यू आते थे अब वो नहीं आते बेचारे। ये सवाल में इसमें आपका जिक्र किया गया, क्या विषय है? मेरा नाम सुमित्रानंदन है, मैं आम आदमी पार्टी वसई विरार में प्रवक्ता हूँ और ये ऑफिस मैं कंटिन्यू रन कर रहा हूँ। जब मैंने रन किया था, स्टार्ट किया था ऑफिस को 2 अक्टूबर 2022 को, तो सुबह सुबह मैं यहाँ ऑफिस आ जाता था तो मैंने देखा सुबह सुबह यहाँ पे लोग झाड़ू लगाते हैं और आप जानते हैं कि चुनाव चिन्ह झाड़ू हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो मैंने सबसे पहले इनकी स्थिति जानने की कोशिश की कि इनकी स्थिति क्या है। तो इन्होंने अपना दर्द मुझे बयान किया, बताया कि हम लोग 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, हमारा वेतन भत्ता नहीं बढ़ता है, हमें निकालने की धमकी दी जाती है, हमें परेशान किया जाता है और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो रिटायर कर चुके हैं कोरोना काल में, उनको ग्रेचुटी तक का भुगतान नहीं मिला, उनको कोरोना काल के जो बेनिफिट से कुछ भी नहीं मिले, ऐसे
ऐसा दर्द उन्होंने बयान किया। तो मैं बोला मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आप हमारा चुनाव चिन्ह सुबह सुबह उठा के सड़कों की सफाई करते हो, आप बहुत ही जिम्मेवारी का काम करते हो, अगर आप दो दिन स्ट्राइक पर चले जाओ सिर्फ दो दिन तो पूरा शहर गंदगी से भर जाएगा। आपका काम बहुत ही जिम्मेवारी पूर्ण है और आपको इसका हक मिलना चाहिए, आपको परमानेंट होना चाहिए। और लोग जो परमानेंट होकर अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहे हैं, आप तो परमानेंट नहीं होते हुए भी पूरी जिम्मेवारी से अपना काम करते हैं। तो मैं उनका पक्ष लेकर लेबर ऑफिसर पालघर गया था उनकी ग्रेच्युटी के बात को लेकर। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप उनका उनके तरफ से लड़ना चाहते हैं तो उनका एक हस्ताक्षर ले लीजिए, ऑथोरिटी ले लीजिए, फिर आप यहाँ पे केस कर सकते हैं। मैं आया, उन लोगों को बताया कि मैं गया था, ऐसे आपको ऑथराइजेशन पे साइन करना है। उसके बाद से वहाँ से क्या पता चला उन लोगों को, क्या धमकी मिली, वो लोग आना ही नहीं चाहते। जो ग्रेच्युटी के लिए वो लड़ रहे थे कि नहीं हमको ग्रेच्युटी दिलवाई, हमको वो इंटरेस्ट उनका जीरो लेवल से माइनस लेवल चला गया। मतलब आपका कहना है कि आपके लेबर कमिश्नर के वहाँ जाने के बाद वहाँ से इन्फॉर्मेशन उनको, हाँ लीक हुई है, लीक हुई है। तभी तो जो लोग बार बार आते थे डॉक्यूमेंट लेकर जेरॉक्स करा के लीजिए सुमित नंदन जी आप हमारी लड़ी हमको ग्रेच्युटी दिलवाइए, मेरा 80,000 निकलेगा, मेरा 1,00,000 निकलेगा, क्या निकलेगा हमको दिलवाइए, आज वो बिल्कुल मतलब कि शांत पड़े। हम लोग उनको जाके दो बार बोल चुके हैं कि सर आइए आपको क्या प्रॉब्लम, बोलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो आना ही नहीं चाह रहे। तो कहीं ना कहीं उनको धमकी तो मिली है। जो आदमी पहले एक्टिव था कि मुझे ग्रेच्युटी चाहिए ग्रेच्युटी चाहिए, और आज वो आदमी शांत पड़ा हुआ है, बुलाने पर भी नहीं आता है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ चोर चोर मोसेरे भाई हैं ये लोग, समझे, इन लोगों को धमकाया गया इसीलिए लोग सफाई करते हैं, लोग नहीं आ रहे। थोड़ा ऐड करूँगा, सॉरी आपको काटा, कि देखिए शुभ भाई आपको जो हमने बोला था कि पक्ष निकम्मा विपक्ष निकम्मा वसई विरार किसका जिम्मा, जो हमने डायलॉग मारा था तो इसीलिए मारा था, उसको ये प्रूफ कर रहे हैं कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों निकम्मे हैं, और निकम्मों की फौज एक नौटंकी कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है, नौटंकी कर रही है। न्याय की लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। हमारा सफाई कर्मचारी हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू लेकर चलते हैं, आम आदमी पार्टी आ जाए कल आए जब भी आए वसई विरार की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, पहला काम हम जो करेंगे कि सारे सफाई कर्मचारियों को प्रोमेंट करेंगे। बहुत सारा फंड है, फंड का सही इस्तेमाल होगा, सारे सफाई कर्मचारियों को प्रोमेंट किया जाएगा, और उन सफाई कर्मचारियों को डर के और दहशत के साए में नहीं जीना पड़ेगा। तो ये हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी से, और इन्होंने किस तरह से पूरा ये इनका क्या विरोध है, क्यों विरोध है, उसको लेकर अपना राय दिए, अपना पक्ष दिया। अभी मेरा सवाल आप दर्शकों से है कि आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा राय इसमें मालूम पड़ सके। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, कल मोर्चा होना है, होगा, उसकी कवरेज भी हम करेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। आज इनका विरोध दिखा रहे हैं, कल मोर्चा भी दिखाएंगे, हमारा काम हम जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, यहीं पर रुकते हैं, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।